क्या आईक्यू का मेंटल हेल्थ की रिकवरी पर असर पड़ता है? जो लोग जिनका ज्यादा आईक्यू है, क्या वो जल्दी मेंटल डिसऑर्डर से रिकवर कर लेते हैं? और इसी तरह एक दूसरा सवाल भी आता है कि जिन लोगों का ज्यादा आईक्यू होता है, क्या उनको मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होते, या क्या उनका मेंटल डिसऑर्डर ज्यादा सीवियर नहीं होता? इस तरह के सवाल बहुत लोगों के मन में आते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है, क्यूरियोसिटी की नजर से भी और इलाज की नजर से भी, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उन लोगों में आती हैं जिनका या तो हाई आईक्यू है, तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि जो हाई आईक्यू के लोग हैं उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं और वो कितना अच्छे से रिकवर करते हैं। और इसी के उल्टे कई लोग जिनको कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझकर उनको दूर कर लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो आईक्यू है वो बहुत हाई है, इस वजह से वो जल्दी रिकवर कर गए। तो ऐसे में कई बार एक पर्सन बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, या अगर किसी का आईक्यू ज्यादा है और उसको कोई ऐसी मानसिक बीमारी हो गई जिसमें वो बहुत ज्यादा एनालाइज करता है, जैसे कि ओसीडी या बाइपोलर में, तो वो इंसान ऐसा सोच सकता है कि मेरा हाई आईक्यू है इसलिए ये डिसऑर्डर होना ये मेरी स्पेशलिटी है, क्वालिटी है। तो इस तरह के कई सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। तो आईक्यू का क्या कनेक्शन है हमारे मेंटल डिसऑर्डर से? ज्यादा रिसर्च में या डेटा में नहीं जाऊंगा, ब्रीफ में बताऊंगा, इसीलिए ये वीडियो ज्यादा डिटेल्ड नहीं होगी। ज्यादातर मानसिक बीमारियों में आईक्यू की भूमिका देखी जाती है। ये कहना कि ज्यादा आईक्यू वाले या कम आईक्यू वाले लोगों को कुछ मानसिक बीमारियां होंगी, जैसे मान लीजिए हम कहें कि भाई ज्यादा आईक्यू है सोशल एडजस्टमेंट हो नहीं पाएगी, आसपास की दुनिया में लगेगा कि हम इसमें फिट नहीं होते, तो ऐसा इंसान अकेलेपन का शिकार होगा और उसको डिप्रेशन ज्यादा होगा, या जिसका हाई आईक्यू होगा उसके माइंड में इतनी क्रिएटिव आइडियाज आएंगे कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाएगा और वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़ी बड़ी बातें सोचेगा, या शायद उसे स्किजोफ्रेनिया हो जाएगा, वो एक अलग ही दुनिया में रहना शुरू कर देगा, क्योंकि इतना ज्यादा इमेजिनेटिव है माइंड, तो इस वजह से शायद हो सकता है कि वो इंसान अपनी ही एक दुनिया बना ले, डिल्यूजन्स बना ले और उन डिल्यूजन्स में रहने लगे। तो ऐसा कॉमनली सोचा जा सकता है कि हाई आईक्यू की वजह से कुछ मानसिक बीमारियां ज्यादा होती हैं, जैसे कि लग सकता है कि ओसीडी शायद उन लोगों में होता है जिनका आईक्यू हाई है, क्योंकि ओसीडी के पेशेंट्स अक्सर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत एनालाइज करते हैं, बारीकियों पे ध्यान देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी इशू की बाल की खाल निकालना जानते हैं, चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोलते ज्यादा हैं, चीजों के फंडामेंटल रूट लेवल पर जड़ में जाना चाहते हैं, परफेक्शनिस्टिक होते हैं, तो शायद ऐसा लगता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा आईक्यू होगा उनका, इस वजह से वो इतना बारीकी में ध्यान देते हैं। पर जो रिसर्च है वो ये बताती है कि ऐसा नहीं होता कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स उन लोगों में ज्यादा होंगे जिनका हाई आईक्यू होता है। मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर किसी भी तरह के पेशेंट में हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें मैं मेनिया की बात कर रहा हूं मेनली, क्योंकि मेनिया ही है जिसके अंदर एक पर्सन को ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स होते हैं, लगता है कि मैं कुछ बड़ी ही चीज हूं, अपने को ओवर एस्टिमेट करने की आदत होती है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिक एपिसोड्स किसी भी टाइप के आईक्यू में हो सकता है, स्किजोफ्रेनिया किसी भी टाइप के आईक्यू के लोगों में हो सकता है, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये आईक्यू डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब हम नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर टाइप के आईक्यू के लोगों में कुछ पर्टिकुलर मानसिक बीमारियां ज्यादा मिलेंगी। नॉर्मल जो आईक्यू की रेंज जाती है वो 90 से 109 तक जाती है। आईक्यू टेस्ट पर आईक्यू मेजर किया जाता है और उस पर लोगों के आईक्यू का स्कोर आता है। तो 90 से 109 या 110 तक एवरेज आईक्यू जाता है, ये जो 20 पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक पर्सन का सुपीरियर आईक्यू होता जाता है और फिर वो जीनियस लेवल पर भी होता है। तो ऐसे जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम देखते हैं कि लोगों का आईक्यू ज्यादा है मतलब वो जीनियस हो सकते हैं, और ये जो जीनियस होते हैं ये अक्सर अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज में काफी हाई अचीवर्स होते हैं। तो हाई अचीवमेंट का हाई आईक्यू से लेना देना तो है, मतलब ये स्कूल में और अपने किसी हॉबी में या किसी टैलेंटेड एक्टिविटी में, किसी स्पोर्ट्स में या कोई गेम में या मैथ, साइंस, फिजिक्स में काफी टैलेंटेड होंगे, काफी ज्यादा अचीव कर लेंगे लाइफ में, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इनके किसी सब्जेक्ट में। जरूरी नहीं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए, पर कोई ऐसे सब्जेक्ट होंगे जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट्स, इनमें ये बच्चे अक्सर ज्यादा स्कोर करेंगे। तो हाई अचीवमेंट का हाई आईक्यू से कनेक्शन है, पर ज्यादा आईक्यू होने की वजह से ऐसा कहना कि या तो मानसिक बीमारियां होंगी नहीं या कुछ मानसिक बीमारियां ज्यादा होंगी इन हाई आईक्यू लोगों में, ऐसा देखा नहीं जाता। इनफैक्ट इसी के परे हम कहें कि जिन लोगों का आईक्यू लो होता है, मतलब एवरेज आईक्यू से नीचे होते हैं, जिनका कि 80s, 70s या 60s में आईक्यू होता है, उनमें भी ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। उनमें ओसीडी भी हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी भी हो सकते हैं, स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर भी हो सकते हैं, और कुछ पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंसेज भी हो सकती हैं। तो लो आईक्यू हो, एवरेज आईक्यू हो या हाई आईक्यू हो, मानसिक बीमारियां करीब करीब एक ही तौर पे देखने में आती हैं सभी तरह के लोगों में।
तो फिर आईक्यू की भूमिका क्या है, किस तरह से ये हमारे लिए एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। अगर हम बात करें रिकवरी की, खासकर की जब मेंटल हेल्थ रिकवरी में साइकोलॉजिकल चेंजेस लाने होते हैं, अपने माइंड को समझना होता है और अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज को, बिहेवियर को, प्रॉब्लम्स को समझकर, एनालाइज कर जब उसे सॉल्व करने की बात आती है, तो वहां आईक्यू की भूमिका होती है। वहां पर हाई आईक्यू लोगों को रिकवरी में, ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। आईक्यू का मतलब क्या होता है? आईक्यू का मतलब होता है एक पर्सन की पैटर्न्स को समझने की, पहचानने की टेंडेंसी, एबिलिटी काफी स्ट्रांग है। ज्यादा आईक्यू होने की वजह से एक पर्सन छुपे हुए हिडन पैटर्न्स समझ सकता है, एनालाइज करने की क्षमता ज्यादा होती है, लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत ज्यादा होती है, मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं ऐसे लोग, माइंड में जो मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस करनी होती हैं वो बहुत फास्ट कर सकते हैं और अपने खुद के रूल्स बना लेते हैं कैलकुलेट करने के। उनके माइंड में जो मेंटल कैलकुलेशंस होती हैं वो फास्ट केवल इस तरह से नहीं होती जैसे कि कोई लिख के करता है, वो बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं क्योंकि उनका माइंड बहुत जल्दी चीजों को सॉल्व करता है। मतलब वो किसी भी तरीके के मेंटल एफर्ट में ज्यादा फास्ट परफॉर्म करते हैं, मतलब उनकी प्रोसेसिंग स्पीड स्ट्रांग होती है, तेजी से काम करना। एक एवरेज आईक्यू का पर्सन किसी समस्या को जहां धीरे से या बहुत टाइम लेकर सॉल्व करेगा, और यहां बात हो रही है कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स की, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स जिसमें कि मेनली साइंस, मैथ्स, इस तरह के एरियाज आते हैं, या अपने आसपास की दुनिया को लेकर भी जब चीजें समझनी होती हैं, जहां पर कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, तो कॉन्सेप्ट्स को काफी लॉजिकल और काफी फंडामेंटल लेवल पर समझने की क्षमता रखता है एक हाई आईक्यू का पर्सन, तो वो चीजों को गहराई से समझ सकता है, क्योंकि हिडन पैटर्न समझना मतलब गहराई से किसी चीज को समझना। फिर इसके अलावा उनकी मेमोरी भी अच्छी हो सकती है, और इसी तरह उनकी क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग भी स्ट्रांग होती है, मतलब वो चीजों को काफी अलग अलग तरह से तोलमोल करके उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, कई सारे फैक्ट्स और कई सारे पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उनमें सही गलत की पहचान करने की भी क्षमता ज्यादा होती है, और जल्दी किसी कंक्लूजन पर, डिसीजन पर पहुंचते हैं, थोड़े स्टेप्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी उनको सॉल्यूशंस जो है वो दिखाई दे जाते हैं। किसी एवरेज पर्सन को सॉल्यूशन ढूंढने में परेशानी होगी, टेंशन होगी, पर इस तरह का पर्सन जिसका आईक्यू ज्यादा है वो बहुत जल्दी परे की चीज देख सकता है, बियॉन्ड देखने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो ये होता है हाई आईक्यू की क्वालिटीज, और इस तरह से जांचा जाता है हाई आईक्यू को। अब मेंटल हेल्थ में कैसे मदद देगा? मेंटल हेल्थ के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जरूरी होता है अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड करना, अपने थॉट्स में छिपे हुए पैटर्न्स को समझना, कैसे मेरे अंदर नेगेटिव थॉट आती है, कैसे उसमें इमोशंस शामिल होती हैं, कैसे मुझ पर इमोशन हावी होती है, खुद को इमोशन से अलग कैसे करना है, थॉट्स के अंदर लॉजिकल एस्पेक्ट्स कैसे ढूंढने हैं, और हिडन कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारी थिंकिंग के अंदर, उनको कैसे पकड़ना है, उनकी ग्रेस्पिंग कैसे हो, कितना जल्दी हम मेंटल फंक्शंस को समझते हैं, ये सारा का सारा जो मेंटल एफर्ट होता है इसको एक हाई आईक्यू वाला पर्सन ज्यादा अच्छे से कर सकता है। मतलब वो केवल अपने विचारों की बारीकी में नहीं जा रहा जैसे कि एक ओसीडी पर्सन जाता है। इसीलिए जिन लोगों को ओसीडी है, जरूरी नहीं कि उनका आईक्यू हाई हो, भले ही वो कितनी ही बारीकी में क्यों ना जाते हो, वो उनके पीछे छिपे हिडन पैटर्न्स को जल्दी समझ जाते हैं हाई आईक्यू के लोग। ध्यान दें, कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ इनकी मजबूत होती है। कॉन्सेप्ट्स मतलब वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि उनकी थिंकिंग काम कैसे कर रही है, वो बहुत जल्दी जान जाएंगे कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर जो एनालिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। कोई उनको अगर सजेशन देगा, कोई आइडिया देगा, तो वो उसको बहुत जल्दी फिट कर पाएंगे कि उनकी सोच में वो किस तरह से एप्लीकेबल है। आइडियाज की पकड़ इनकी मजबूत होती है, तो काफी साइकोलॉजिकली माइंडेड होते हैं। साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस का मतलब है कि जब एक पर्सन अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स में या मेंटल हेल्थ इश्यूज में साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन कितना बेहतर तरह से देख पाता है, मतलब वो कितना अच्छे से देख पाता है कि मेरे माइंड में चलने वाली जो नेगेटिविटी है वो किस तरह से मेरे बिहेवियर या मेरी बीमारी को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस अक्सर उन लोगों में ज्यादा होगी जिनका आईक्यू हाई होता है। और ध्यान दें, ये लोग बहुत ज्यादा इस चीज में बिलीव नहीं करेंगे कि सारी बीमारियां जो है वो हमारे माइंड में होती हैं। ज्यादा आईक्यू का पर्सन जो होगा वो ये बात को भी स्वीकार करेगा कि मेरे शरीर की भी भूमिका है, मेरे ब्रेन की भी भूमिका है, मेरे ब्रेन केमिकल्स की भी एक रोल होती है मेरी मानसिक बीमारी में, क्योंकि ये व्यक्ति फैक्ट्स में बिलीव करता है, तथ्यों में बिलीव करता है।
चीजों की जांच पड़ताल कर उनकी जड़ तक जाता है। तो अगर मानसिक बीमारियों की जड़ में ब्रेन केमिकल्स में होने वाली डिस्टर्बेंस या हमारे जीन्स में छिपी हुई कोई प्रॉब्लम अगर उसमें शामिल होती है तो ये उस फैक्ट को एक्सेप्ट करेगा। ये ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई मैं तो बहुत हाई आईक्यू रखता हूं तो मैं तो सिर्फ बड़े बड़े आइडियाज में बिलीव करता हूं, मेरे हिसाब से तो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो कोई बड़े एनर्जी लेवल में आने वाले चेंजेस की वजह से होती है, कोई बाहर के कोई प्लैनेट्स हैं जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव कर सकता है पर उतना जितना की वो जरूरत है, उतना जितना की उस चीज की डिमांड है या जितने तक उसकी समझ पहुंचती है। वो जबरदस्ती किसी चीज पर फोकस नहीं करेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऐसा मानता है कि ये सच होगा। तो ज्यादा आईक्यू का पर्सन क्या होगा, वो प्रैक्टिकली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो केवल किसी मान्यता या किसी कल्चरल बिलीफ की वजह से या उसको कोई आइडिया अच्छा लगता है सिर्फ उस पर बिलीव करके अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखेगा। तो इलाज में वो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी मान्यताओं की तरफ नहीं जाएगा, अगर दवा भी लेगा तो वो जानता होगा कि दवा मुझ पर कितना काम कर रही है, उसके परे मुझे अपने माइंड पर फोकस करना है क्योंकि वो समझ जाएगा उसके अंदर पैटर्न समझने की टेंडेंसी है, वो जानता है कि मेरे जो सिम्टम्स हैं उस पर दवा केवल इतना ही असर ला रही है, उसके बाद सारा मुझे साइकोलॉजिकल वर्क करना है, मेरे एनवायरमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कहां आता है। वो बहुत जल्दी भाप पाएगा इस चीज को क्योंकि उसकी कॉन्सेप्ट की समझ अच्छी है, वो जानता है कि एनवायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, साइकोलॉजिकल कितना है और बायोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। वो एक ऐसा एनवायरमेंट अपने इर्द गिर्द निर्मित कर सकता है या उसको चूज कर सकता है जिससे कि उसकी मेंटल हेल्थ सही रहती है क्योंकि वो उन ट्रिगर्स को पहचानता है जो उसके एनवायरमेंट से आ रहे हैं। वो पहचानता है कि मेरे माइंड में क्या ऐसे ट्रिगर्स बैठे हैं जिससे कि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। ये होता है एक हाई आईक्यू वाले पर्सन की क्वालिटी, वो इन चीजों को जल्दी समझता है, गहराई से समझता है और उनको जल्दी कंक्लूड करके अपने मेंटल डिलेमास को सॉल्व कर लेता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाई आईक्यू जो है वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है मानसिक बीमारियों में, और रिसर्च बताता है कि स्किजोफ्रेनिया जैसी बीमारी के मामले में भी जिन लोगों का हाई आईक्यू होता है उनकी बीमारी बहुत सीवियर नहीं होती, इन लोगों में बीमारी को लेकर इंसाइट्स होती हैं और ये लोग खुद भी अपने डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस को दूर भगा सकते हैं क्योंकि ये पैटर्न समझ सकते हैं, ये जल्दी समझ जाते हैं कि कैसे मेरे जो डिल्यूजनल या जो हेलुसिनेटरी फिनोमिना है, एक्सपीरियंस है, ये एक्चुअल में बीमारी का लक्षण है। ये लोग बहुत प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने को क्योंकि ये चीजों को ढंग से समझ पाते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा इनसाइट होना अपनी बीमारी में, इसमें आईक्यू की भूमिका होती है। कुछ लोग जिनका एवरेज आईक्यू है और उनको कोई बीमारी है, शायद हो सकता है कि सालों लग जाए उनको अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करने में। उसका एक बड़ा कारण होता है कि या तो उनका एवरेज आईक्यू है या फिर लो आईक्यू है, क्योंकि अपने अंदर आने वाले बदलावों को समझने के लिए, मन में शरीर में उठ रहे बदलावों को समझने के लिए, उनके पीछे छिपे हुए हिडन पैटर्न को समझने के लिए ज्यादा आईक्यू मदद देता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हाँ, हाई आईक्यू बीमारियों की सीवियरिटी को रोकने में, बीमारी में कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बहुत बदतर हो जाएगा, उसे रोकने में काफी मदद देती हैं। तो बहुत से लोग बहुत जल्दी अपने को किसी सीवियर फेज से बाहर निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी वो अपने सिम्टम्स को समझकर एक या दो एपिसोड के बाद ही उससे बाहर निकलने के तरीके सीख लेते हैं और वो अपनी मानसिक बीमारी को भी एक वैलिड चीज समझते हैं। ये नहीं कि डिनाइल में है, अरे मुझे कैसे ओसीडी हो जाएगा, मुझे कैसे साइकोसिस हो जाएगा, मुझे कैसे डिप्रेशन हो जाएगा, वो इस भूल में नहीं रहते। वो मानते हैं, जानते हैं कि हाँ, ये बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं, जैसे बाकी के मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसी तरह साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। वो इस उधेड़ भुन में नहीं लगे रहते कि मानसिक बीमारियां जो होती हैं वो किसी सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस की वजह से होती हैं या बस वो हमारे मन में आने वाली नेगेटिव थिंकिंग से होती है, नहीं। पर यहां पर भी एक पेंच है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू तो हाई है पर फिर भी उनमें इनसाइट की कमी हो सकती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसके पीछे जेनेटिक, बायोलॉजिकल और कुछ पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। पास्ट लाइफ मतलब वो पिछले जन्म नहीं, पास्ट लाइफ मतलब बचपन से बड़े होने तक की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हाई आईक्यू वाले ज्यादा अचीव करेंगे, कई बार बीमारी का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है, कई बार फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, एडिक्शन की टेंडेंसी इन लोगों में अगर ज्यादा है तो हो सकता है कि अपने लाइफ के कुछ चैलेंजेस को ओवरकम ना कर पाए, हो सकता है ये अपनी बीमारी को तो समझ जाए, अपनी लाइफ को एनालाइज तो कर दें पर एनालिसिस के अलावा ये अपनी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन ना दे पाए। तो इसलिए इन लोगों को थेरेपी की भी जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी और रिहैब की भी जरूरत पड़ सकती है लाइफ में, भले ही इनका हाई आईक्यू क्यों ना हो। तो हाई आईक्यू कुछ लोगों के लिए बहुत ही घातक भी सिद्ध हो सकता है क्योंकि हाई आईक्यू की वजह से वो कुछ ज्यादा ही सुपीरियर फील करते हैं। इनफैक्ट अगर इनके अंदर पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस है, मतलब कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है और हाई आईक्यू भी है, तो ये इंसान दुनिया से अपने को अलग ही कंसिडर करेगा। उसको लगेगा मैं दुनिया से अलग हूं, लोगों से अलग हूं, लोगों के बीच एडजस्ट नहीं हो सकता। एक तरफ तो आईक्यू की वजह से वो लोगों से तालमेल नहीं बना पाता,
और दूसरी जगह उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स कुछ ऐसे हैं जो उसको दुनिया से काट देते हैं, तो ऐसे में ये इंसान दुनिया से कटा हुआ, दुनिया से अलग थलग रहने वाला दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं हाई आईक्यू की वजह से कुछ लोग ज्यादा सफर कर सकते हैं लाइफ में। इसलिए हाई आईक्यू के साथ अगर पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस ना हो, रिस्क फैक्टर्स कम से कम हो, एडिक्शन की टेंडेंसी ना हो, फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा हो और ये पर्सन अपने आईक्यू को, मतलब अपनी जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है उसको सहारा लेकर उससे लाइफ में अच्छा कुछ अचीव करे, अपनी लाइफ को एक अच्छा दिशा दे, तो ये हाई आईक्यू का पर्सन डिसऑर्डर को भी ओवरकम कर सकता है और लाइफ में एक अच्छा अचीवमेंट लेकर उसमें सेटल भी हो सकता है, लाइफ के अच्छे आउटकम्स अचीव कर सकता है। तो आईक्यू का ज्यादा होना एक अकेला डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है किसी की मेंटल हेल्थ रिकवरी का। हाँ, पैटर्न समझने में मदद मिलेगी पर लाइफ को दिशा देने में बड़े सारे एस्पेक्ट्स मैटर करेंगे। कुछ पर्सन के कंट्रोल में होंगे, कुछ उसके कंट्रोल में ही नहीं होंगे। तो कुछ लोग ज्यादा आईक्यू होकर भी बहुत ही बदकिस्मत हो सकते हैं लाइफ में, हो सकता है कुछ ज्यादा कर ही ना पाए हो। तो ज्यादा आईक्यू कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वहीं ज्यादातर लोग जो हैं जिनके हाई आईक्यू हैं वो बीमारियों की सीवियरिटी से बचे रहते हैं, वो सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने को संभाल लेते हैं, समझ जाते हैं अपनी बीमारी को, भले ही उसे टाइमली ठीक ना भी कर पाए, भले ही उनके सिम्टम्स बने भी रहें, पर वो अपने सिम्टम्स को समझने की वजह से कभी बहुत बुरी हालत में नहीं पहुंचते, ये संभावना उन लोगों में बनी रहती है। पर जिनका एवरेज आईक्यू है, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है या वो बहुत ही बुरी कंडीशन में जा रहे हैं या वो वायलेंट हो रहे हैं या वो अपनी बीमारी को समझ ना पाने की वजह से डिनाइल में हैं, अपने ही मनगढ़ंत बिलीव्स में उलझे हुए हैं, बहुत समय ले रहे हैं अपनी मान्यताओं से बाहर आने में, सारी दुनिया जानती है, बोलती है, कहती है उनको कि अपना इलाज कर लो, अपनी बीमारी को समझो, जानो, यूट्यूब पे भी डॉक्टर्स बोलते हैं, पर फिर भी वो इसमें कोई एफर्ट नहीं लेते, तो एक डिनाइल हो सकता है क्योंकि वो अपने मन में उठ रहे पैटर्न्स को बहुत बारीकी से समझ नहीं पाते। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, मैं मानता तो हूं, डॉक्टर की बात समझती तो हूं, बट नहीं, मेरी प्रॉब्लम जो है ना वो मेरे चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से हुई थी। नहीं, मेरी जो प्रॉब्लम है ना ये मेरे जीन्स की वजह से है। कुछ ना कुछ वो ऐसा रीजन होल्ड करके रख लेंगे जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे। वो उस रीजन को एनालिटिकली नहीं देख पाएंगे जिससे कि वो खुद को बाहर निकाल पाए, वो अपने को डिटैच नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि एवरेज आईक्यू में देखने में आ जाती हैं। पर यहां ध्यान देने की बात यह है कि जिन लोगों का एवरेज आईक्यू होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जल्दी रिकवर नहीं कर सकते या उनको अपने मेंटल पैटर्न समझने में बहुत मुश्किलें होती हैं या उनमें इंसाइट बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हाई आईक्यू सिर्फ एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। जिन लोगों का एवरेज आईक्यू भी है, उनके अंदर कुछ दूसरे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स काम कर सकते हैं, जैसे कि उनका फैमिली सपोर्ट हो सकता है बहुत अच्छा हो, उनके अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री शायद ना हो मेंटल इलनेस की, या उनको सही टाइम पर इलाज मिल गया हो, उन्होंने सही जानकारी ले ली हो अपने मेंटल डिसऑर्डर की, और उनको शायद डॉक्टरों पर भरोसा ज्यादा हो, क्योंकि कई बार हो सकता है कि जिनका हाई आईक्यू है वो डॉक्टरों पर ट्रस्ट ना करते हो। इसलिए यहां पर मायने ये रखता है कि प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से किसी का इलाज जल्दी होगा या देरी से होगा। पर यहां पर जो मैंने बात की है वो हाई आईक्यू को एक प्रोटेक्टिव फैक्टर के तौर पर डिस्कस किया है। यहां कुछ ऐसा नहीं है कि हाई आईक्यू के लोगों में कुछ स्पेशल होता है जिस वजह से उन्हीं की मेंटल रिकवरी जो है वो आसान होती है या जल्दी होती है। किसी भी पर्सन की मेंटल हेल्थ रिकवरी अच्छी हो सकती है अगर सही टाइम पर इलाज मिले और जैसा कि बताया कि कई सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स मौजूद हों या रिस्क फैक्टर जो है वो कम मौजूद हों। पर हाई आईक्यू के लोग होते बहुत कम हैं, ये नहीं कि दुनिया में भरे पड़े हैं। ज्यादातर लोग एवरेज आईक्यू के होने की वजह से करीब 67 से 70% लोग एवरेज आईक्यू के होते हैं। तो 70% लोग जब एवरेज आईक्यू के हैं, इसीलिए ज्यादातर लोगों को थेरेपिस्ट की भी नीड होती है, दवाइयों की भी नीड होती है और उनको मेंटल हेल्थ रिकवरी में थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगता है। उनकी लाइफ में आईक्यू के अलावा कुछ दूसरे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होने जरूरी हैं, तभी वो मानसिक बीमारियों की सीवियरिटी से बचा सकते हैं खुद को। क्योंकि आईक्यू एक्चुअल में है क्या? ज्यादा आईक्यू से लोगों के लिए सिर्फ एक प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। और हर मानसिक बीमारी में कुछ रिस्क फैक्टर्स और कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जो लोगों को ज्यादा बुरी कंडीशन में ले जाते हैं, जैसे सही समय पर इलाज ना लेना। अब इलाज भी नहीं लिया, बीमारी भी ठीक नहीं हो रही, तो ऐसे में बीमारी ज्यादा बढ़ सकती है। फिर एडिक्शन की प्रॉब्लम्स होना, शराब पी रहे हैं, सिगरेट या कुछ दूसरे ड्रग्स के चक्कर में पड़ गए हैं, इस वजह से बीमारी ज्यादा बुरी हो सकती है, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, बाइपोलर बढ़ जाएगा। तो ड्रग एडिक्शन होना, अल्कोहल एडिक्शन होना, ये एक रिस्क फैक्टर है। तो वही प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आ जाता है, जैसे कि फैमिली सपोर्ट मिलना, अच्छा एजुकेशन मिलना, हायर एजुकेशन वालों के पास अच्छे सोर्सेज होते हैं जिससे कि वो अपनी मदद कर पाते हैं, या फिर इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होना। ज्यादा पैसे वाला इंसान होगा तो ज्यादा अच्छे से अपना इलाज ले पाएगा।
तो इस तरह के कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। तो हाई आईक्यू जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर के तौर पर काम करता है। तो वहीं जिनका लो आईक्यू होता है वो एक रिस्क फैक्टर है। लो आईक्यू में बीमारी भी आ सकती है, भले बाइपोलर हो या स्किजोफ्रेनिया हो, समझ में भी नहीं आएगी उस पेशेंट को कि मेरे साथ हो क्या रहा है, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएगा, दूसरों का सरदर्दी बढ़ेगी, दूसरों को हमेशा उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा, इलाज में भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी शायद वो पेशेंट ना दिखाए, लाइफ में भी कुछ ज्यादा अच्छा अचीव नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में उसकी बीमारी सीवियर भी हो सकती है और हो सकता है वो लाइफ टाइम उस बीमारी से बाहर ही ना आ पाए, क्योंकि उसका लो आईक्यू एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो इस तरह से देखा जाना चाहिए आईक्यू और मेंटल डिसऑर्डर्स के कनेक्शन को। और ध्यान दें, जब तक आईक्यू को मेजर नहीं किया गया है आप नहीं कह सकते आपका आईक्यू कितना है। तो सिर्फ इसलिए कि आपका माइंड किसी चीज में बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा आइडियाज की तरफ आपका फैसिनेशन है, नई नई चीजें सोचने का मन करता है, वो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका आईक्यू हाई है। एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है जिसे हम कहते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस। जिन लोगों में ये पर्सनैलिटी ट्रेट होता है वो अक्सर नए नए आइडियाज से बड़े अट्रैक्ट होते हैं, नए नए तरीके की चीजों को पढ़ना जानना उनको अच्छा लगता है, यूट्यूब पे नए नए तरीके के कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज पर वीडियोस देखते हैं, कुछ नई नई किताबें पढ़ते रहते हैं। इन लोगों को सिर्फ नए आइडियाज से फैसिनेशन होता है, अट्रैक्ट होते हैं नए नई चीजों से, और इनफैक्ट सिर्फ आइडिया से ही नहीं, नई नई जगहें एक्सप्लोर करना इनको पसंद हो सकता है। अगर ये कुकिंग करते हैं तो नई नई डिशेस बनाना इनको पसंद हो सकता है, नए तरह के कपड़े ट्राई करना इनको अच्छा लग सकता है, कुछ भी ऐसी चीज जिसमें कुछ नयापन हो, कुछ अलग हो। तो ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट कुछ लोगों का होता है, पर इसका मतलब जरूरी नहीं कि इन लोगों का आईक्यू भी हाई हो, क्योंकि आईक्यू पैटर्न्स को पहचानने की एबिलिटी है। अलग अलग आइडियाज रखना या नएपन की तरफ अट्रैक्ट होना, इससे आईक्यू का कोई खासा लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हाई आईक्यू वाले लोगों में ओपननेस टू एक्सपीरियंस ट्रेट हो सकता है, तो ऐसा कोई विरोध नहीं है। भाई जिनका हाई आईक्यू है वो भी नई नई चीजों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, पर तभी जब उनके अंदर वो पर्सनैलिटी ट्रेट हो। और इसी के उल्टे, आईक्यू हाई है पर ओपननेस टू एक्सपीरियंस का ट्रेट हाई नहीं है, तो वो लिमिटेड एरियाज में ही लाइफ में केवल अपना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे या ज्यादा अचीव करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने बस मैथ्स में तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली, मैथमेटिशियन बन गए बहुत बड़े, पर फिजिक्स में खासा इंटरेस्ट नहीं है, मेडिसिन में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पर जिस किसी इंसान का आईक्यू भी हाई है, पर्सनैलिटी ट्रेट में ओपननेस टू एक्सपीरियंस भी हाई है, तो वो दुनिया के सारे इश्यूज में इंटरेस्ट लेगा, उसको हर चीज जाननी है, हर चीज समझनी है, वो यूट्यूब पे हर तरह की वीडियो देखेगा और हर चीज को बड़े बारीकी से समझ भी जाएगा। तो इस तरह से हाई आईक्यू और ओपननेस टू एक्सपीरियंस के ट्रेट का कनेक्शन होता है। और मानसिक बीमारियों में इन दोनों की भूमिका होती है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होती है मानसिक बीमारियों में, इस पर कभी आगे किसी वीडियो में चर्चा करूंगा। तो इसलिए जिन लोगों का ओपननेस वाला ट्रेट है, ये ना सोचे कि उनका आईक्यू ही हाई है। आईक्यू मेजर करना पड़ेगा, पहले जांचना पड़ेगा, और एडल्ट और बच्चों के सबके आईक्यू टेस्ट अवेलेबल होते हैं, तभी आप पता कर सकते हैं कि हाँ आपका हाई आईक्यू है। इसलिए ये ना सोचें कि अरे मेरे को तो बड़ा फिलॉसफी में बड़ा इंटरेस्ट है तो मैं बड़ा हाई आईक्यू होगा मुझ में, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है और आपके आसपास के लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सुपीरियर आईक्यू है। क्योंकि हो सकता है ना कि आपके आसपास के लोग इन एरियाज में इंटरेस्ट ना लेते हो। आपका मन है मैं फिलॉसफी की किताब पढ़ूं, फिलॉसफी की किताब पढ़ ली, साइंस की किताबें पढ़ ली दो चार, एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ जान लिया, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जान लिया, तो आपको लग गया मेरा तो बहुत हाई आईक्यू है इसलिए मैं ये सब चीजों में इंटरेस्टेड हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये रही एक छोटी सी ब्रीफ सी चर्चा कि आईक्यू की क्या भूमिका होती है हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स में और उसकी रिकवरी में। डिसऑर्डर्स किसी भी टाइप के आईक्यू में हो सकते हैं, कोई भी डिसऑर्डर हर तरह के लोगों में देखने में आता है, पर रिकवरी में एक प्रोटेक्टिव फैक्टर के तौर पर काम कर सकता है ज्यादा आईक्यू का होना, और बीमारी की सीवियरिटी में भी एक भूमिका निभाता है। इस तरह की और जानकारी आगे की वीडियोस में देता रहूंगा, चैनल के साथ बने रहना। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।